हेलो फ्रेंड्स, प्रमिला की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिक्स पेपर पनीर, चिल्ली पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च, तीनों कलर की, येलो, रेड एंड ग्रीन, और पनीर, और जिसमें मैं घी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ़ एक चम्मच घी से, ताकि ये हेल्दी वर्जन में मेरी सब्जी हो, ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं आपके साथ ये चिल्ली पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो मिक्स पेपर हैं, जो मल्टी कलर हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। इनको हम स्क्वायर पीसेस में काटेंगे और ये स्क्वायर पीसेस में ही हम ये अनियन काटेंगे। अनियन रेड एंड वाइट मैंने दोनों लिए हैं, और ये 250 ग्राम पनीर है और इसको भी हमने चकोर टुकड़ों में काटा है, और ये रेड चिल्ली सॉस और थोड़ा सा सिरका डालेंगे, और ये सोया सॉस है, और ये टमाटो प्यूरी है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर और रेड पेपर, रेड चिल्ली पाउडर, क्यूमिन सीड और साल्ट एज योर पर टेस्ट, और टर्मरिक हाफ टी स्पून। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने कैसे अरेंज करना है, और मैं इसमें घी बहुत कम डालूँगी, और वो भी ऑलिव ऑयल डालूँगी, ताकि ये हेल्दी वर्जन में ये सब्जी हो और किसी को भी कोई भी हार्म ना पहुंचे। अब इसमें मैंने एक टीस्पून घी का डाला है, और एक टीस्पून घी में हम ये जो हमारा पनीर है इसको रोस्ट करेंगे। ये जब तक ये गोल्डन हो जाता है तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको हमने एक टीस्पून घी में इसको गोल्डन करने तक कर लिया है, तो इससे ऐसे लगेगा कि जैसे हमने फ्राई किया है। एक चम्मच ऑलिव ऑयल का डाला है, और इसमें सबसे पहले हम ये क्यूमिन सीड ये डालेंगे, और ये ब्लैक पेपर भी, और ये रेड पाउडर, चिली पाउडर भी, कसूरी मेथी, टर्मरिक और साल्ट, ये सब हमने पहले भून लेना है, ताकि हमारा ये मसाला कच्चा ना रहे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, एक टीस्पून गार्लिक है और हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट है, ये हमने डाली है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये प्यूरी डाली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, अब इसी में हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब इसमें हम ये अनियन डालेंगे जो हमने स्क्वायर पीसेस में काटे हुए हैं। इसको ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, थोड़ा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और ये मिक्स पेपर भी इसके साथ ही हम डाल देंगे। ये मिक्स पेपर भी हमने डाल दिए, इसमें हम रेड चिल्ली सॉस डालेंगे,
एक चम्मच हमने रेड चिली सॉस डाला है और एक चम्मच ही हम एक टीस्पून के करीब ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। और आधा चम्मच हम ये सिरके का डालेंगे। अब इसमें हम पनीर भी डाल देते हैं। थोड़ी देर इसको हम कवर करेंगे ताकि ये थोड़ा थोड़ा गल जाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो इसको गलाना नहीं है, तो थोड़ा सा गल जाए। और धीमी आंच कर देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, तो मेरे ख्याल 5 मिनट के करीब हमने इसको पकने दिया है और मुझे लगता है कि अब ये बन गई है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मिक्स पेपर चिल्ली पनीर तैयार है। इसमें सिर्फ 2 टीस्पून घी के लगे हैं, 1 टीस्पून मैंने तड़के में यूज़ किया है और 1 टीस्पून से मैंने पनीर को रोस्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको आप नान के साथ और लच्छा परौंठा के साथ और चपाती के साथ और किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। किसी भी दाल सब्जी के साथ इसका बहुत ही अच्छा मैच है। जब हम लोग होटल में जाते हैं तब भी चिल्ली पनीर ऑर्डर करते हैं, पर वहाँ हमें ये नहीं पता होता कि इसमें हमारी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है और इन्होंने किस तरह से बनाया होगा। ये अपने हाथ से बनाने की एक बात ही अलग होती है। इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगती और 2 मिनट में आपने देखा होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। इसको बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता। और मेरे को पनीर की और भी बहुत सी रेसिपीज़ आती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस मेरी वीडियो को आप पूरी देखें, 20 मिनट छोड़ छोड़ के ना देखें, क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती जो है ना वो सारी सब्जी का जायका ख़राब कर देती है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये रेसिपी पूरी तरह से देखेंगे और अपने हाथों से भी बनाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू रखती है और कितनी टेस्टी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।